सलमान खान बन बॉक्स आज हमारे साथ हैं एक कॉन्टेंट क्रिएटर और फिल्म मेकर भी और दोस्त भी और दोस्त भी जिनका नाम है ईशा शकील वेलकम टू पॉडकास्ट थैंक यू ऑल्सो इज एन एक्टर शी इज राइटर इज अ डांसर योगा योगा भी करती, करती हैं लेकिन वो मतलब जस्ट फॉर ओन मैं योगी बहुत <laughs> <बारे> <laughs> तो हाँ तो ये बेसिकली मल्टीपल चीज़ें करती बच आई थिंक इज रिलेटेबल हमारी आज की uh, यूथ को भी और हमारे सामने ही हो रहा है यू कॉन्ट जस्ट हैव वन हैट यू नीड टू डू मल्टीपल स्पेशली अगर आप डिजिटल एज में हैं डिजिटल प्लेटफॉर्म से ए, अपनी प्रेजेंस रखी हुई है और इट्स हेल्पिंग यू अर्न मनी इन एनी वे यू हैव टू डू मल्टीपल थिंग्स एज वेल Exactly. Thank you so much for reminding us that, a job that. <laughs> <laughs> I think let's start with the content. Se baat lete I think let's just start with how has your experience... First of all, where did you get the idea se aya, mm -hmm. content? Why did you want to make content? us And when we're talking about her content, ka shauk, she, she has this um, platform called, not the, but just the last shot. Just doesn't last shot. Company. They make, you make videos on different obviously not easy to digest topics as well but there's a hint of comedy but very tasteful i may add <laughs> uh, basically i used to like work uh, i had some jobs and industry though i never felt like uh, satisfied with what what's happening and what i was required to do which obviously i think her at least आर्ट फील्ड में ये स्ट्रगल होती है कि आपने पैसे भी बनाने एंड देन यू नो कुछ और अगर क्रिएटिविटी नहीं भी हो रही फुलफिल यू हैव टू हैव मनी बट वो बहुत ज़्यादा ये मेरे साथ कह लो इम्पॉर्न मसला है कि आई आई कॉन्ट डाइजस्ट थिंग्स दैट आई डोंट रेजनेट विद एंड आईम लाइक यार ये ये अच्छा नहीं है और ये बस ठीक है कर तो रही हूँ बट अच्छा नहीं है तो आई जस्ट हैड अ लॉट ऑफ आइडियाज आई स्टिल हैव अ लॉट ऑफ आइडियाज एंड आई जस्ट डेंट नो वे टू पुट दैम Uh, initially, we tried to. We had this one video idea, very randomly, idea and it was about harassment. Or, I mean, the Me Too movement kind of started here. So, I was looking at people's responses and reactions, and I was like, yeah, there should be a video that addresses this properly. Because there was a video I saw on harassment, which is a very popular channel, I won't name them. But it was very mm, insensitive. So, I was like, there has to be a, a, a nice perspective. I was like, that. Um, random video idea we tried to pitch it to different places but nobody was kind of listening to it so i was like let's just make our own thing i don't even blame them because maybe they have their own kind of thing going on and they don't want um के कुछ और आए ना आई अंडरस्टैंड ठीक है बिजनेस परस्पेक्टिव से अब क्योंकि ऑब्वियसली अगर अब मेरे पास कोई आता है और कहता है यार मुझे ये बनाना और वो मेरे कॉन्टेंट के साथ मैच नहीं कर रहा तो मैं नहीं मानूंगी सो मे बी इट डेंट मैच विद दे वर डूइंग एंड आई वज लाइक ठीक है बस स्टार्ट किया एंड देन आई हैड हमने बहुत ज़्यादा मेहनत की थी उस वीडियो पे बहुत ज़्यादा mm. तो फिर पता लगा कि वी डोंट नीड टू यू नो पुट इट पुट दैट मच एफर्ट इन टू एवरी वीडियो बिकॉज कंसिस्टेंसी बहुत मैटर करती है क्वांटिटी बहुत मैटर करती है क्वालिटी भी करती है बट क्वांटिटी भी करती mm. है विद सोशल मीडिया क्योंकि वीडियो आती है दो दिन बाद डाई आउट हो जाती है सो यू कॉन्ट कीप यू नो मंथ की प्री प्रोडक्शन हो रही है एंड स्टफ लाइक दैट यू कॉन्ट डू दैट अनलेस यू रियली वॉन्ट टू मेक सम वीडियो एंड अब मीन वाइल और चीज़ें चल रही हैं mm. सो so, ओबियसली वो इस फील्ड में आके एज़ यू सेट के आप सीखते हो चीज़ें तो वो कुछ सीखी कि अच्छा ये ये नहीं करना द डूज एंड डोंट्स एंड इट्स एवर चेंजिंग मतलब आप एक चीज़ डाइजेस्ट करते हो और नई चीज़ आ जाती है एंड फॉर पीपल लाइक मी वर नॉट दैट यू नो यंग एंड

मुझे समझ नहीं आती बट आई 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 हैव हैव अ लॉट ऑफ रिस्पेक्ट फॉर देम एंड वाज एक्चुअली एम वेरी इंस्पायर्ड विद फिल्टर कॉपी इंडिया का जो है एंड या एंड आई वाज आई कांस्टेंटली लुक एट दर इंटरव्यूज एंड स्टफ एंड देयर फाउंडर्स आल्सो सेड कि वी हायर कांस्टेंटली 20 ईयर ओल्स बिकॉज दे नो वट वी डोंट नो एंड दे टीचर्स बिकॉज हम लोग बैठे होते हैं कि क्या अच्छा ये भी हो रहा है एंड दे आर लाइक ठक 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 एंड सो ये चीज़ें इतनी चेंज हो रही हैं कि obviously, at the core of it, it's your content, it's your idea. but then executing it, when I of tiktok discovered i was like, oh, i can just stand there and just speak all of these things and rather than making a whole story out of it, make a script and get actors and stuff. i can be all the actors. and it's easier to make and you get the competition so you can't, you know, you have to find ways to make it shorter and quicker. ऑबियसली yeah. तो वो चीज़ें आप समझते हो देखते हो एंड इट इट इज़ एग्जॉस्टिंग एंड इट हैज़ नो एप्र ये सारी चीज़ें हमें ना बाद में पता लगी थी कि ओ इसमें तो अप्रिसिएशन ही नहीं है yeah. <laughs> कुछ भी नहीं है और इतना मुश्किल है इतना बिकॉज वट वी सी इज जब पेजेस बड़े हो जाते हैं या जब यू you नो know, नाम बड़े हो जाते हैं एंड वी सी के वाव यार हम भी स्टार्ट करते दे इंस्पायर अस टू स्टार्ट बट देन उधर तक पहुँचने में बहुत बहुत यू नो मेहनत लगती है वो हमें पता नहीं होता पीछे की स्ट्रगल क्या है हर चमकती चीज़ के पीछे सो

<laughs> I think we've discussed that a lot. <laughs> but there uh, are phases where you're like, you don't want to do it anymore. I have shut down my company a lot of times. I have this core company group, WhatsApp group, where we coordinated everything, and I've left that group quite... ती, तीन चार दफा मुझे वापस ऐड करते हैं हेलो एंड यू नो वन ऑफ माय को फाउंडर्स ही जस्ट ही हैज़ जस्ट स्टॉप गिविंग अ डैम अब अब अगर आई थ्रो अ एंड्रम और यू नो फिट कि यार मैं नहीं कर सकती इनफ इनफ yeah. तो वो कुछ भी नहीं कहता कहता बी फाइन आफ्टर फोर आवर्स फाइव आवर्स लाइक यार दिस इज़ नॉट कूल के तो मुझे ईजी ले रहे बट <laughs> uh, वो होता है कि फेजिज आते हैं बट देन एकदम से कोई आइडिया शायद आ जाता है कि यार ये भी तो है और फिर मैं कहती हूँ यार एंड देन यू ऑल्सो लाइक कि यार आई हैव गिवन टू ईयर्स टू इट ऑलमोस्ट टू ईयर्स होने वाले हैं अब तो व्हाट्स द पॉइंट ऑफ गिविंग अप नाउ मतलब दैट जस्ट गोइंग इन टू यू नो पानी में आप जा रहे हो और बीच में आप छोड़ के फिर क्या करोगे वापस जाओगे यू नो दैट्स इक्वली डिफिकल्ट सो जस्ट गो अहेड अब आधे आ ही गए हैं तो आगे mm -hmm. भी चले जाते हैं सो दीज थिंग्स यू नो ऑल्सो अगर कुछ मिल जाए इस तरह का प्रोजेक्ट या कुछ तो फिर ऑब्वियसली दैट इज़ अनदर मोटिवेशन के ओके या एंड यू नो यू डोंट नो आपको याद ही नहीं रहता कि आपने इस चीज़ के लिए दुआ की थी कभी यू you नो know? या आपने चाहा था एंड इट्स कमिंग टू यू नो इट इट डजन हैपन दैट वे बिकॉज लाइक वी गॉट दिस वेब सीरीज प्रोजेक्ट एंड आई वॉज सो एग्जॉस्टेड ड्यूरिंग इट कि मुझे पता ही नहीं मुझे रियलाइज ही नहीं होता कि हम वेब सीरीज कर रहे हैं सो इट लाइक फिर मैंने सोचा ही यू ना एक दिन बैठ के पिछले साल आई कुडेंट थिंक मैं एक वेब सीरीज कर रही हूँ सो आई एम डूइंग दैट यू हैव टू कॉन्स्टेंटली सी के आप कहाँ से आ रहे हो ठीक है एंड यू हैव टू कम्पेयर बिकॉज आप भूल जाते हो कि दिस इज़ वॉट यू वॉन्टेड सम

टू इट विथ योर हार्ट जो भी आपका जिधर भी दिल है मतलब क्योंकि आप अपनी ही चीज़ से बोर ना हो जाओ ठीक है ना तो वो वो बड़ी जरूरी है कि आप अपनी ही वॉइस जिस तरह जो भी है वो जस्ट डू दैट और वो करते रहोगे वो ईजी होगा कंसिस्टेंट रहना तो या कीप डूइंग दैट और ऑब्वियसली इट विल भी डिफिकल्टर कुछ कुछ भी डिफिकल्ट है हर चीज़ डिफिकल्ट है सो वाई नॉट लाइक डू समथिंग जिधर आपका यू नो हार्ट बी होल ऑफ़ दैट सो या

इट्स वेरी डिफिकल्ट और पाकिस्तान अनफॉर्चुनेटली अभी भी उन कैटेगरीज़ ऑफ कंट्रीज़ में आता है जहाँ पे हमारे डिजिटल uh, लॉज या ऑनलाइन लॉज या हमारी मोनेटाइजेशन उस लेवल पे नहीं आई अभी भी आप देखें कोई रिसर्च आपको पाकिस्तान पे दो चार के अच्छा कितने मोबाइल फ़ोन यूजर्स हैं कॉन्टेंट क्या देखता है कौन देखता है ये सारी हम गट फीलिंग पे रिसर्च प्राइवेटली लोग कर रहे हैं बट इट्स वेरी डिफिकल्ट मोनीटाइज अभी आई थिंक रिसेंटली हुआ था कोई साल पहले फिर यूट्यूब ने एलग्रिदम चेंज किया था द पीपल हु है जो कोई पंद्रह बीस हज़ार डॉलर कमा रहे थे महीनों का या दो महीनों का उनका सडनली एक फिफ्टी परसेंट कट आ गया एंड दे हैड नो आइडिया तो ये बहुत वॉलेटाइल इंडस्ट्री भी है हमने तो कभी देखी नहीं ना वो पैसे तो हम लेकिन इनिशियली uh, तो यही एक दूसरा मॉडल होता है ट्रैक्शन ले लो फेसबुक या इंस्टाग्राम से ले लो जितना इतना पैसा नहीं बट यू यून रिलाय दैट बट वो भी एक बहुत

इतना वॉलेटाइल है यहाँ पे तो इसलिए वो भी प्लेटफॉर्म्स लाइक नेटफ्लिक्स एंड एवरी थिंग वुड बी वेरी ऑफ इन्वेस्टिंग इन इन एवरी एस्पेक्ट बिकॉज ऑफ कॉन्टेंट कंजम्पन एज वेल एंड देन ऑल्सो कि हम लोग यू you नो know, कभी भी कुछ भी बैन कर yeah, सकते यार मेरा ख्याल इसमें यह है कि एक्सपेरिमेंटेशन विद कंटेंट आपको कितनी अलाउ की जा रही है मैं अभी ईशा से यही पूछना चाह रही थी कि एक हमारी अपनी विल है जिदी है असेंशली कि हमने एक ऑल्टनरेटिव क्रिएट करना है ना असेंचली वी वॉन्ट टॉक अबाउट थिंग्स दट द मैसेज डू नॉट वॉन्ट टू टॉक अबाउट ब्रांड उसके बारे में काम नहीं करना चाहते हैं तो हमारा एक इनहेरेंट ड्रॉबैक um, है या वो एक डिसडवाटेज है डिसएडवान्टज़ बैठे वर्ड के जिन चीज़ों के बारे में हम बात करना चाहते हैं लोग उनके बारे में सुनना नहीं चाहते हैं आपके पास कितनी स्पेस है इमेजिन वो चुडेल्स वाली जो सीरीज़ थी इट हैड टू बी पोस्टेड ऑनलाइन बिकॉज आपके मेन स्ट्रीम नहीं डाइजेस्ट करती है इस तरह की चीज़ों को तो आपके पास स्पेस कितनी है कि आप इन चीज़ों के बारे में बात कर सको इवन विद आस लाइक द रीज़न वाई टेक्स सो मच टाइम टू गेट इट अक्रॉस ऑडियंस एक तो चलो हम थोड़े से बर्गर भी हैं हम अंग्रेजी में बात करते हैं लेकिन मसला दूसरा आप उर्दू तो आपकी बहुत अच्छी उर्दू है थोड़ी थोड़ी है लेकिन मेरे से बहुत अच्छी उर्दू भी है लोगों की तो वो क्या कह कहते हैं यही है कि देर आई थिंक इट विल टेक सम टाइम टू इवन गेट द मैसेज ऑन बोर्ड कि हमारी बात सुन लो कोई और तरीका भी है उसमें काफ़ी फैक्टर्स आ जाते हैं हमें कितनी स्पेस मिलेगी कि हम इन चीज़ों को परसूव कर सकें दैट वी समट हैव टू सी

सो so वट आप अपने अलाइनमेंट उस तरह रखो आप अपने गोल्स उस तरह रखो लाइक like, वो एक बात कही गई थी कि कम्युनिटी की सो जो कम्युनिटी सेंटर्स होते हैं जो कम्युनिटी yeah. कोई भी एक कम्युनिटी मिलके हुए काम कर रहे होते हैं वैसे इट इज़

डिटिंग्विश भी करने की आई थिंक हमें जरूरत है बिकॉज अभी वो डिस्टिंग्विश नहीं हुआ लेकिन आप फिल्टर कॉपी की बात करें दैट इज़ नॉट एन इन्फ्लुएंसर पेज दैट इज अ प्योरली कॉन्टेंट क्रिएशन पेज विच इज टारगेटिंग डिफरेंट सेगमेंट्स ऑफ द मार्केट तो आई थिंक वो भी अभी हम डिस्टिंगशन थोड़ी hmm. yeah, 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 कन्फ्यूज या आप Uh, ख़ुद कर लो uh, yeah, yeah. Uh, मतलब आप बनो वो वो फेस बनो एंड ऑल दैट आई वाज लाइक आई डोंट वांट टू बी द बेसिकली मेरा अगेन वो एक इशू है कि अगेन गोइंग बैक टू द पॉइंट वाई आई स्टार्टेड वाज बिकॉज़ आई वांटेड बहुत प्रिची बात है लेकिन uh, मैं चाह रही थी कि एक अनेबल हो सारे यू नो एवरीबडी गेट्स लिफ्टेड नॉट जस्ट मी अगर मुझे ख़ुद को लिफ्ट करना होता तो मैं बड़ी इजीली मतलब आप जाओ एक्टिंग करो ये करो वो करो वट एवर कीप मेकिंग कॉन्टेंट अपने फेस के आगे एंड दैट हैपन्स बट सो देर वाज इज वन आई आई डू थिएटर एज वेल तो आई वेंट टू कोलम्बो फॉर अ थिएटर Plugging it in. Plugging it in. <laughs> For a theatre festival. And there in unki opening ceremony, mein, uh, there was this founding member of that theatre company who made this thing a yearly event. Kr yar harsal in countries, you know, different countries and all of that. Like he he died I don't know how many years ago, right? And it's still going on. And because of his thought, today, after so many years हम कोलंबो बैठे हैं mm. और कितने लोग आए आए और कितने कल्चरल एक्सचेंज और कितना कुछ यार कितना रिपल इफेक्ट हुआ यू yeah. नो you know? सिर्फ एक थॉट की वजह से कि लेट्स डू दिस दैट्स व्हाट आई वांटेड एज वेल कि हमने तो चले जाना है सो यू नो एक ऐसी चीज़ बिल्ड करके अगर जाएं कि उससे लोग एम्प्लॉयमेंट हो बात कर सकें बा, इतनी ज़्यादा चीज़ें और अभी भी मैं मुझे खुशी इसी बात पे होती है अगर कोई मुझे रीच आउट करता है और कहता है यार कैन आई डू दिस इन द आई रियली वांट टू एक्ट आई रियली वांट टू राइट प्लीज लेट अस डू दिस एंड देर डू रेडी डू इट वॉलेंटरली मतलब वो मतलब उनको कहते हूँ यार अभी हम लोग कमा ही नहीं रहे तो देर लाइक वी डोंट वांट मनी वी वांट टू डू इट फॉर दिस दिस क्यूट दैट्स द फर्स्ट थिंग यू से हम कमा नहीं रहे हां बिकॉज़ बिकॉज़ वी हैव बीन देयर ना जहां हमें लॉलीपॉप देखिए यार आगे प्रोजेक्ट्स मिलेंगे तो बहुत पैसे मिलेंगे yeah. और ये वो yeah. तो आई डोंट वांट टू बी दैट पर्सन तो मैं बहुत ऑनेस्टली बता देती हूं कि यार ये, ये सीन है तो, hmm. तो तुम लोगों की मर्जी है अगर तुम चाहते हो हम किसी पेड़ प्रोजेक्ट में तुम लोगों को करें तो दैट्स फाइन तो बट दे आर ऑल लाइक सो विलिंग टू डू इट तो वो मुझे बड़ी खुशी होती है देख के यार ठीक है वांट टू बी विद आपको भी नहीं अपने कमेंट किया वो मुझे किसी ने कहा कि तुम अपनी शक्ल कैमरे पे ले आओ ये हो जाओ वो हो जाए बड़ा चल जाएगा सी दैट वो भी बहुत रिस्ट्रिक्टिंग हो जाता है कि यार जस्ट आप उसको एक बॉक्स में डाल देते हो एक फीमेल कॉन्टेंट क्रिएटर को हालांकि यू नो यू हैव फिल्म डिग्री एंड ऑल ऑफ देट इतना वेरी गुड स्क्रिप्ट राइटर वो चीज़ बाहर में चली जाती है यू नो सो है एक तो कंटेंट क्रिएशन के तो अपने मसले हैं वो तो सबको पता है आई थिंक जो देख भी रहे हैं उनको भी पता है कि जिंदगी अजाब होती है बट बींग वुमेन इन मीडिया इज़ नॉट वो ट्रेडिशनल रोल्स नहीं कर रही एंड सिंपल है कोई नॉट सोसाइटी अगेंस्ट नहीं जा रही आप नहीं करना मेरा दिल ये करने का उसमें भी मसले आए थे कि लाइक पीपल नॉट टेकिंग यू सीरियसली और इट हैज बीन चेंजिंग मतलब दोनों टाइप के लोग यू नो आई फाइंड पीपल हु डोंट टेक मी सीरियसली आट ऑल एंड जो मुझे नज़र से ही पता लग जाता है कि दिस दे आर लुकिंग डाउन ऑन मे बिकॉज एम ए वमन फिर मैं बंदा कोई साथ रखती हूँ यू नो मुझे पता होता है इन इन से डील बंदा करेगा सो यू नो ये आपको एज़ अ बिजनेस पर्सन समझ आ जाती हैं बातें क्योंकि हमने बिजनेस तो पढ़ा नहीं फ़िल्म पढ़ा तो वो हम अब समझ रहे हैं बिजनेस की चीज़ें बट देन आई सी ऑल्सो सीन पीपल हु आर कम्प्लीटली लाइक नॉर्मल कि यार अच्छा ये है और uh, दे आर ओके विद एट एंड मतलब वो स्पेसिफिकली ये नहीं कि अच्छा वो आप आइए हैं और आप लिफ्ट भी नहीं मतलब इज नॉर्मलाइज्ड के आर अच्छा ये शी इज द्वला तो दोनों टाइप्स के लोग हैं आई थिंक पीपल हु आर मोर ट्रडिशनल या पुराने कन्वेंशनल उनके साथ थोड़ा प्रॉब्लम होता है एन थी वॉज अ डांस डायरेक्टर वंस एंड द फीडबैक आई गॉड फ्रॉम माई पीपल इन द सोसाइटी वॉज के ये बॉथ बहुत स्ट्रिक्ट है यार ये इनको पता नहीं क्या हो जाता है और एंड आई थिंक समथिंग हैपेंस आई थिंक शायद सबके साथ होता है बट लीडरशिप में जब आप आते हो तो यू हैव टू टेक कंट्रोल तो हाँ कुछ जगहों पे होता है जहाँ मैं डीलिंग नहीं करती कोई और यू नो माय को फाउंडर और एनी वन इज लाइक अ मेल काउंटर पार्ट वो डीलिंग करेगा यू you नो know, कुछ चीज़ों में लेकिन जनरली आई मीन लाइक आई हैव दिस वाई बॉर्न सेट एज वेल एज फार एज आई हर्ड आई डोंट नो बट के ये कुछ इधर से उधर हुआ तो बैड सीन हो जाएगा सो इवन इन द वेब सीरीज आई डोंट नो आई दैट पोटेंशियल बट देर वॉज दिन वाई दिस टू एक्टर्स वस्ट गिव द शॉर्ट आई मीन वो दोनों नहीं सही कर रहे थे एंड आई लॉस्ट इट आई स्टार्टड दैट एंग्री क्राइंग i was like you can't do this i lost it and everybody was like just silent on said dop everyone technicians everyone you know acha iska breakdown and i like i took them in the corner and him ko samjhaya but the thing is um,

to assist in direction and everything and that uh, it was all men. So feel that they're just putting me there. And the the script was about women empowerment. And it was funded for a project for women empowerment and yeah. they said that women will make it yeah and so she was just there to tick mark that yeah. gender uh, diversity yeah i mean i i saw that because they weren't letting me work and even in the end i like shuru mein jab mujhe feel ho gaya tha to i had said to them that i i want to like aapne mujhe aise hi like i confronted them so they were like madam aapko pata hi hai like hadka chupail faz maine bol diya innovation kahan hai pakistan there was this um,

आई डोंट के लोंडे करें आई एम डन विद लॉन्डाजूंग एवरी थिंग प्लीज कम ऑन बोर्ड गुड मतलब इन यार देखो ओवर लुक तो करो इस चीज़ों के अंदर एटलीस्ट यही कर लो यार अगर आपने खुद बनाना भी है एट फाइन बट एट लीस्ट है साथ हो रहा है उनकी सुन लो और एज अ कॉन्टेंट क्रिएटर ये कितना इंपॉर्टेंट है टू रिकिग्नाइज के हमने रिसर्च भी कर ली चीज़ों पर हमने एक दूसरे से गुफ्तगु भी कर ली कि आपका क्या ओपिनियन है आपका क्या ओपिनियन एंड वाइंग टू बज रिस्पॉन्सिबल एज यू नो पॉसिबल कभी कभी ये होता है क्योंकि हम सब इंसान हैं हम सब गलतियाँ भी करते हैं कॉन्टेंट क्रिएशन में ये कितना ज़रूरी है टू ओन अप टू योर मिस्टेक्स टू लेट पीपल नो कि हम इंसान हैं जिनका शायद कल परस्पेक्टिव जो था उसमें से ये एक आधी चीज़ मिसिंग थी एंड टू लेट दैम नो कि इट्स नॉट अ फाइट अबाउट ओपिनियंस असेंशली इट्स अ फाइट अबाउट यू नो ट्राइंग टू असेंशली बी बेटर सम वे Do you think थिंक important? Yes, वेरी इंपॉर्टेंट मतलब uh, obviously हमारा इनिशियल रिएक्शन यही होता है कि ओ मतलब क्यों बोला है मेरे कॉन्टेंट पे कुछ मैं जरा लड़ती हूँ इससे uh, हाँ ये चीज़ें आ जाती हैं बट इट्स वेरी इंपॉर्टेंट आई थिंक आप uh, बताओ कि यार ये चीज़ गलत हुई थी या वेवर तो uh, लाइक वी मेड अ वीडियो ऑन डाइवर्स लॉज फॉर वेमन इन पाकिस्तान एंड उसमें ओब्वियसली सम्बर डिसट कि यार ये 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 ठीक नहीं है इस तरह नहीं होता और तीन दफ़ा तलाक दिन से हो जाती है तलाक यू नो स्टफ लाइक दैट तो खैर हमने उसकी काफ़ी रिसर्च की थी बिफोर मेकिंग द वीडियो बिकॉज ऑब्वियसली सो देर आर डिफरेंट स्कूल्स ऑफ थॉट फॉर दैट तो मैं हमने फिर समझाया कि लाइक like, ये डिफरेंट स्कूल्स ऑफ थॉट है ये भी है एक बट यू नो ये भी है एक सो वी वी डे डोन अप के ठीक yeah. है हाँ कहीं हमने शायद ज़्यादा रिसर्च ना की हो या हमें इतनी नॉलेज हमें कितनी नॉलेज होगी हमने हफ्ते में नॉलेज लाइक वो रिसर्च करके बना दे वीडियो तो या इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आप ओन अप करें अगर कोई प्रॉब्लम होगी सो क्या यार हम रोबोट्स तो नहीं है ना फ्रॉम जितना भी मैं आपके बारे में जानती हूँ हु बडी हैड लाइक अ वेरी ट्रेडिशनल ट्रडिशनल ऐसे कि जिस तरह से खातन की हाँ अपब्रिंगिंग की जाती है खातन को बताया जाता है कि आपका एक सर्टन स्पेक्ट्रम है आप औरत होना असेंशली भी उस स्पेक्ट्रम में फिट होता है कि आपने इसी तरह रहना है हाउ इजी और डिफिकल्ट इट इज टू गो अगेंस्ट द फ्लो एंड लाइक वॉट कीप्स यू गोइंग वाई डू यू लाइक चूज टू बी हु यू आर असेंशली डिस्पाइट द इमेंट थ्रेड दैट यू नो यू

सो so, वो था शुरू से ही इन माई फैमिली हम तीनों बहनों का यही था कि यू नो डू वट एवर यू वॉन्ट टू मेरे साथ मसला ये हो गया कि मैंने फिल्म चूज कर लिया mm. तो अबू वाज़ वेरी हैप्पी अबाउट इट इट इनिशियली बट देन देन ही ही कि अच्छा दिस व्हाट एंड वाज़ लाइक प्लीज तो वो फिर अब होती yeah. रहती है यू नो दैट इनिशियली वो मुश्किल था um, मुझे खुद yeah. की फील्ड समझने में प्रॉब्लम हो रही थी बिकॉज Um, मुझे पता ही नहीं था क्या है हमारे दूर दूर तक मीडिया का कोई वो नहीं है yeah. तो मुझे खुद नहीं समझ आती थी अच्छा शूट इस तरह होता है अच्छा ये होता है yeah. ये वो ये वो तो आई वॉज लाइक फिर मुझे समझ आई तो मैंने कहा ठीक है दिस इज इज इट इट एंड एंड आई एंजॉय डूइंग यू नो लड़ाई होती थी कभी कभी बहुत लेट में आ रही हूँ तो डांट पड़ गया ये हो रहा है वो हो yeah. रहा है बट इट्स ओके आई वॉज लाइक मैं रोती भी हूँ अगर तो अगले दिन सुबह फिर घर में भी ईजी हो जाता है तो मतलब वो चीज चलती रहती है एंड

हेलो yeah. मैं कहाँ हूँ बट आई थिंक एक चीज़ जो मेरे हिसाब से मेंशन करना ज़रूरी भी अक्सर औरतों को बार बार रिमाइंड कराया जाता है कि जस्ट बिकॉज नॉट अ लॉट ऑफ मेन डू इट या जो भी है आप योर सर्वाइवल ऑन योर ओन विल बी वेरी डिफ़िकल्ट सो so, बजाय इसके कि आप वो बात इनग्रीन करें दिमागों में बार 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 कि नहीं है पॉसिबल क्योंकि देखिए मैन ऑल्सो स्टार्ट आउट लाइक दिस ना वो भी अपनी ज़िंदगी में अपनी स्पेस बनाते हैं पढ़ाई करते हैं या जो भी करते हैं फिर कारोबार या जो भी काम करते हैं

करते हैं फेल होते हैं फिर करते हैं फिर फेल होते हैं फिर करते हैं, फिर करते हैं, फिर करते हैं कहते हैं हमारे पास टाइम ही टाइम है yeah. और आप मुझे शादी होनी होती है ना ah, exactly, यही हाँ, यही बात बात शादी के लिए प्रिपेयर करना है तो वो इस तरह की yeah. कि आप yeah. मिस्टेक्स नहीं कर सकते yeah. आपकी वो प्रेपरेशन है ना सारी ही वो है जिंदगी में तो दैट इज ट्रू मतलब और मैं अक्सर इस तरह की नरेटिव भी देखती हूँ ड्रामाज में मूवीज में दिखाते हैं कि लड़की ने कहा मैंने करना है और फिर उसने किया और वो वर्ल्ड क्लास बन गई क्या हो गया वर्ल्ड <laughs> क्लास ही बनना है और फिर मतलब भी के अभी कल मैं देख रही थी वाला के बे, बेटी को पढ़ाया ना होता तो आज घर होता तुम्हारे पास तो फिर वो घर लेके देती है आई लाइक डूड नहीं वी डोंट हैव टू शो के हम को बहुत हम बड़ी दो महीने हो गए कंपनी को सक्सेस छह महीने हो गए yeah. तो सक्सेस like, कुछ नहीं, कुछ नहीं है मुझे भी प्रेशर होता exactly. है कि यार नहीं क्यों नहीं चल रही कंपनी क्यों, क्यों नहीं चल रही फिर मैं देखती हूँ पेजेस के पीछे जाके कितना टाइम लगे इनको लेकिन यू नो पाँच छह साल तो कहीं नहीं गए जस्ट गिव इट एंड एन सेंस बिकॉज आई हैव बीन एन बिजनेस वी बीन इंक्यूबेटेड एज वेल तो मैंने और ऑन्टरप्रीनियोर्स को देखा है और बिजनेसिस को देखा है कि यार तीन तीन साल चार चार साल कुछ नहीं कमाते और कर रहे हैं, कर रहे हैं। तो मैंने कहा यार मैं भी टेंशन लेती yeah. हूँ कि यार ये हो वो हो <laughs> अबू मतलब मुझे फुल कहते हैं फाइनेंशियल प्लान दिखाओ अपना कितने पैसे कमा लिए हैं yeah. यार वाई डू दे एक्सपेक्ट कि हम यूँ करके यू नो हमें सब कुछ मिल जाएगा सक्सेस मिल जाएगी ऐसे नहीं है मतलब लेटेस्ट लेटेस्ट लेकिन yeah, exactly. <laughs> yeah. नहीं वो नहीं होता कहते हैं ये तो मतलब एट वन पॉइंट लाइक इसकी कंपनी चल नहीं रही बस शादी करा दो yeah. तो लाइक यार ये क्या लेना देना है इन दोनों का आपस में क्या <laughs> <laughs> <इसने laughs> है तो यार कसम से इट्स टूपर्ट देर इज नो रिलेशन आई मीन आई रियली वॉन्ट एवरी वन टू से एवरी वन टू नो के यार स्पेस ने बिल्कुल टाइम तो मतलब वो अगर टाइम बॉम्ब रख देंगे सर कि यार अगर साल में तुमने अपनी नाना दिखाई मुझे कि ये ये हो सकता है तो फिर मेन वेमेन एनीवन ह्यूमंस फेल एंड बिजनेस इज फेल इट्स ओके एंड इट्स ऑल्सो ओके टू बी नो ओके विद फेलियर ये बहुत जरूरी है अपने बच्चों को सिखाएं कि वो गलतियां करके ही सीखेंगे आपने जब इतना प्रेशर डाल दिया ना कि हर दफा यू है और मुझे समझ नहीं आती एक्सपेक्टेशन कहाँ से आती है लेजिटिमेटली हैव ग्रोन अप सेइंग टू माय पेरेंट्स के व्हाट हैव यू गाइस डन बट आप लोग इतने परफेक्शनिस्ट बन जाते हो हमारे केसेस में कि के नहीं तुम लोगों ने पता नहीं इतने परसेंट ना लेकिन मेरी अम्मा मुझे क्या कहा कि हंड्रेड परसेंट से कम नहीं आने लाइक वट लाइक यू नो मतलब uh... यार नहीं मतलब yeah. मैंने अपने आप इतना लिमिट किया कि अगले छह महीने नाना चली मेरी कंपनी तो दैट मींस इट्स नॉट गोना वर्क दैट इज स्टूपिड एक्जेक्टली यू कांट पुट दोस कंडीशंस बिल्कुल नहीं बिल्कुल, बिल्कुल भी नहीं बिल्कुल भी नहीं

इमेजिन इमेजिन द प्रेशर दैट यू नो आप ये असेस करो कि आपका बच्चा सीख रहा है कि नहीं सीख nah, रहा आप है आपने फर्स्ट लाना है बस उसको हमारे वहां हमारे इसमें होता था रेड मार्क रेड मार्क मीन लाइक बिलो फिफ्टीन तो हमारा ये होता था कि बच्चे बच्चे एक एक रूम रूम में में होते थे थे और और पेरेंट्स, टीचर्स हमको okay. रिजल्ट्स मिलते थे, फिर बच्चे अंदर आते oh. तो वो वाला इतना टेंशन का माहौल yeah. रेड रेड मार्क मार्क ना ना और बस exactly. जज हो रहा था कि एक एक से पेरेंट्स है क्या रिजल्ट yeah. एक दफा मेरा था 50% सप्ली

Hmm, difficult question <laughs> you can choose to even qk you know huh. this, these are things we think about and then huh. you know i mean i think success ki definitions change hai. No. Baat mm -hmm. hai. but, but cool. for now i would say ke if if People would stop asking me what I'm doing and they already know what I'm doing. Yeah. <laughs> I think like क्योंकि मुझसे एक किसी friend ने पुरानी मिली and she was like oh last shot बहुत fit जा रहा and I was so happy. And yeah. I was like yeah she knows. Yeah. So I just want कि like लोगों को अगर पता okay. लगने लग जाए तो I think that is a mark thing of success. Yeah. And then obviously एक self-sufficient हो जाए company. Yeah बिल्कुल. और क्या चाहिए company owners को कि यार एक revenue generation हो रही है and stuff like that. It's expanding and stuff. बिल्कुल. तो यार